एक नाम सल्तनत परवीन, बड़ा यूनिक सा नाम है, लखनऊ से हैं। और जैसे ही खबर सामने आई कि सल्तनत परवीन ने UPSC में 6th रैंक हासिल किया है, तो लोगों की दिलचस्पी जानने में बढ़ गई कि आखिर ये सल्तनत परवीन है कौन। तो हमने सोचा कि लाइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सल्तनत परवीन, सबसे पहले तो मुबारकबाद, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पे। और मेरी बात की जाए तो मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई कुशीनगर से की है। मैं बेसिकली मेरा दादीहाल कुशीनगर के सलीमगढ़ से है। तो शुरू में मैंने हिंदी मीडियम से क्लास 8 तक पढ़ाई की है। उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए। 9th 10th 11th 12th मैंने न्यू स्कूलिंग से की है, अलीगंज में। और फिर मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद से सर मैं प्रिपरेशन में थी जी। आपका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे दृष्टि IAS के साथ में, मॉक इंटरव्यू था आई थिंक, तो वो क्या था? मतलब आप दृष्टि में पढ़ रही थी? नहीं सर, मैंने दृष्टि में मॉक के लिए बस किया था, तो वहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू हुआ था बस मेरा बढ़िया था, बड़ा शानदार इंटरव्यू था। थोड़ा सा उन्होंने नाम को लेकर के बताया था कि बड़ा यूनिक सा नाम है, तो ये थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूँगा, ये सल्तनत परवीन ये कैसा? थोड़ा सल्तनत बादशाहत बड़ा यूनिक सा लगता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ आज मेरा नाम साकार हो रहा है। जी सर। ये जो मेरा नाम है सल्तनत, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी अम्मी ने मुझे नाम दिया था। और इसका मतलब होता है जब कोई सुल्तान किसी एक एरिया पे, किसी टेरिटरी पे रूल करता है, तो उस टेरिटरी को या उस एरिया को सल्तनत कहते हैं। तो SDM बन करके आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आप क्या करेंगे सबसे पहले? आपकी क्या लगता है कि जैसे आपने शुरू में सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना ही है डिप्टी कलेक्टर बनकर? सर एक चीज़ जो बहुत श्योर है कि मैं करूँगी, वो तो ये कि फीमेल लिटरेसी में मैं कंट्रीब्यूट करूँगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की देखा जाए, खास करके ईस्टर्न साइड की देखा जाए, तो फीमेल लिटरेसी काफ़ी कम है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी सर, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है जी। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में हम समझ लें, आपके माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा समझ लें। सर मेरे फादर जो हैं वालिद, वो जनरल स्टोर की एक शॉप है, वो शॉपकीपर हैं, कहाँ पे और है? यही लखनऊ में ही है, मुंशीपुलिया पे। और मेरी जो मदर है, मेरी अम्मी, वो हाउस वाइफ है। और एक छोटा भाई है अल्ताफ, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो यानी आपके सारे भाई बहन पढ़ रहे हैं? जी सर। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी हूँ, और मेरी जॉइंट फैमिली है, करीब 30-32 लोगों का परिवार है। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ या बेटा हूँ जो भी। और जितने भी मेरे कजिन्स हैं या मेरे जो भाई बहन हैं, सब छोटे छोटे हैं उससे 30-32 परिवार, इसको जी। उनकी भाषा में हम कहें राजपाल यादव की, तो इसको जिला ही घोषित जिला कर ही घोषित कर दी। बिल्कुल सर, मतलब दिए। ये एक बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। एक जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है विलुप्त होता जा रहा है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, कभी अकेला फील नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जॉइंट फैमिली में रह करके, और मैं देख रहा हूँ कि छोटे से कमरे में आप रह रही हैं, जी। तो इस छोटे से कमरे में रह करके पढ़ाई वगैरह करना किस तरह से मुश्किल था, आसान था, कैसा था? थोड़ा सा अपना सफ़र बताइए। सर जॉइंट फैमिली में रह के, सबके साथ रह के थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है, बट मेरा ऐसा परिवार है, इतना कोऑपरेटिव है, इतना सपोर्टिव है, कि कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं होने देते थे ये। ये इंश्योर करते थे कि मैं पीसफुली पढ़ाई करूँ, फोकस्ड रह के पढ़ाई करूँ। और फिर इन्होंने ही मुझे कहा था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर पे तो मेरी हेल्प करने लगते हो, किचन में देखने लगते हो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने खुद मेरे को लाइब्रेरी भेजा, फिर मैं लाइब्रेरी में अप डाउन करती थी, मुझे छोड़ने जाते थे, मुझे लेने जाते थे, तो काफ़ी सपोर्ट रहा सब था। मैंने पढ़ाई भी की, मैंने मस्ती भी की, मैंने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड किया, मैंने अपनी हॉबी जो मेरा वॉलीबॉल खेलना है, मैं वॉलीबॉल को भी अच्छा खासा टाइम देती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी, तो मैंने सबको साथ लेके चला। तो एक बैलेंस्ड वे रहा, बैलेंस अप्रोच रहा मेरा हमेशा, कि आपको ज़रूरी नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो किसी एम्बिशियस पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सोशल लाइफ को त्याग दो, आप सब चीज़ बैलेंस करके भी चल सकते हो तो थोड़ा सा अब मुझे बताइए कि आप चूंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, जी और आमतौर पे एक हम उसको स्टीरियोटाइप तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत टिपिकल वर्ड हो गया, मैं कहूँगा कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम फैमिली में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से पढ़ाई नहीं करती, आप इस चीज़ को कैसे ब्रेकआउट करती हैं? सर इसको ब्रेक करने के लिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मॉडर्न भी हूँ, मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं जीन्स पहनती हूँ तो मैं हिजाब भी पहनती हूँ। तो अब मैंने मैंने एजुकेशन ली है, स्कूलिंग की है, मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, भोजपुरी भी बोलती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब ये जो लोगों की माइंडसेट बनी हुई है या एक धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ये कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं है, ये हर जगह देखने को मिलता है, हर कम्युनिटी में देखने को मिलता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, या ऐसी ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो अब हम आपको सल्तनत परवीन कहें या SDM कहें, क्या कहें?
मैं सल्तनत हूँ सर, आप मुझे सल्तनत के नाम से ही बुलाइए। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हौसला अफजा मोमेंट है। आप एक फ़ीमेल होकर के, खास से मुस्लिम फैमिली में पढ़ करके आप इस पोस्ट पर आई हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए बताइए कि जो लोग दिन दिन रात रोना रोते रहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में फोकस्ड होकर के बताइए। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाता है, उनकी अर्ली एज में जल्दी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, फिर बच्चे कर दिए जाते हैं। माँ बाप इसके ज़िम्मेदार होते हैं, उनको अपनी लड़कियों पे भरोसा नहीं होता। तो मैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क ना करें, अपनी बेटी के पोटेंशियल को पहचानिए, उसे सपोर्ट करिए और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे वो अपने टैलेंट को निखार सके और आगे आ सके। कब तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी? सर अभी तो कोई डेट नहीं आई है, बट आई थिंक 3 4 महीने लग जाएंगे। पहले ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग का ट्रेनिंग होगा सिस्टम जी, पहले ट्रेनिंग होगा सर कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया? जी, यही लखनऊ में ही होगा SDM की ट्रेनिंग। पोस्टिंग की क्या उम्मीद करते हैं, किस जगह की पोस्टिंग होनी चाहिए? मैं तो चाहूँगी सर ईस्टर्न साइड ही हो, क्योंकि मैं कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ के हालात से मैं परिचित हूँ और वो थोड़ा अपनापन लगता है उधर साइड, तो मैं डेफिनेटली उधर चाहूँगी, ईस्टर्न साइड में। आपने ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारा है या वहीं गुजारा है? बराबर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट जी, ऑलमोस्ट ओकेजन भी बराबर वहाँ हो। जाते रहे हैं। हाँ वहाँ बीच बीच में जाते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लिंक ख़त्म हो गया, वहाँ जाते रहते हैं, हर साल जाते हैं, कई बार कई कई बार होता है दो दो तो तीन तीन वहाँ महीने पे भी आप चले गांव जाते गांव हैं में अपना घर है, जी। गांव में अपना घर है तो वहाँ गांव पे वहाँ पे रहते हो ना कि कोई नहीं? जी, दादा दादी हैं, बाकी के परिवार वहाँ पे हैं। यहाँ बस पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से ही आए थे लखनऊ में ओके, तो जी। लखनऊ आए, लखनऊ की खुशबू कुछ ऐसी है कि यहीं होकर के रह गए? जी लखनऊ में कुछ कुछ तो हवा है जो अपना अपने तरफ खींचती है, बहुत प्यारा शहर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कहा जाता है कि लखनऊ है ये फ़कत गुम्बद व मीनार नहीं, ये फ़कत शहर है कूचो बाज़ार नहीं, यहाँ के दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, बिल्कुल इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी तो इसी गली में आप भी खो गई लखनऊ में आकर के? जी जी बिल्कुल, बहुत प्यारा शहर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने रूट्स को भूल गई। मैं अपने गांव को भी बहुत प्यार करती हूँ, वहाँ के लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपकी बेटी ने एक माइलस्टोन अचीव किया और 6th रैंक हासिल किया UPPCS में। आप UPPCS का मतलब समझती थी? नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझ तक पहुँचे हैं, और बेटी का भी शुक्रिया कि हमें ये दिन दिखाए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कुछ पता नहीं था कि ये PCS होता क्या है, IAS होता क्या है, क्योंकि दूर दूर तक हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है दूर दूर तक। तो ये इनके वालिद साहब का है कि हाँ इन्हें करना है, पहले इन्होंने ये BTECH कर चुकी थी, उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर में कहा था कि बेटा PCS के साइड आप रुक करिए। तो ये फौरन जिस दिन BTECH का लास्ट पेपर था उस दिन आई, और इंटीग्रल से पढ़ी हैं ये, BTECH की हैं, तो वहाँ का बैग रख दिया घर में और फौरन निकल पड़ी ये नोट्स वोट्स के चक्कर में, या फिर जो भी चीज़ की तैयारी करनी होती थी उसके चक्कर में निकल पड़ी। और ये कहते हैं ना हिंदी में क्या होता है, बहुत आज्ञाकारी बेटी हैं, और इतनी बड़ी फैमिली है, सब लोग खुश रहते हैं इनसे, कोई इनसे खफा नहीं होता, क्योंकि ये खफा किसी को होने नहीं देती है, बहुत अच्छी। अब तो सल्तनत परवीन जब घर में वापस आएंगी ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करने के बाद, तो एक अलग रोब और ऑरा के साथ आएंगी, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी? अभी तो ठीक है, आप को लग रहा है कि क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पर उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग होने के बाद आप बताइए किस तरीके से फीलिंग होगी, कैसा उनको सेलिब्रेट करेंगे, कैसे इस्तकबाल करेंगे? सर जो इस्तकबाल होगा वो आप करेंगे, मेरी तो जैसे गोद में कल थी वैसे वो आज भी हैं। यानी बस बेटी ही के रूप में होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए। हाँ, और हर तरह से उनको हम हेल्प करेंगे। मुबारकबाद, आपकी बेटी ने एक अहम अहम मकाम हासिल किया, जी, किस तरह की फीलिंग है? फीलिंग तो जो है नहीं बता सकते, मैंने इतनी खुशी है इसको जाहिर नहीं कर सकता आदमी शब्दों में, और इसका कोई मैंने क्योंकि शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं कि जी SDM की पोस्ट क्या होती है, पूरी पूरा एक तहसील उनके कंट्रोल में होता है। अभी तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही है, लेकिन जब वो पोस्ट मिलेगा उनको तो वो पूरे पूरी तहसील होगी। वो SDM का सही सही मतलब सल्तनत परवीन ही को पता है कि SDM का सही सही मतलब क्या होता है, और उसके उसका रोब क्या होता है, उसका ऑरा क्या होता है, उसकी कुर्सी की क्या हैसियत होती है। तो बहरहाल अभी जब वो ज्वाइन करेंगी उसके बाद में आपको महसूस होगा कि SDM क्या चीज़ होती है। नहीं, महसूस तो अभी ही हो रही है, जैसे आप लोग आ रहे हैं और 3 दिन से चल रहा है जो, और हम लोग खुद
जो है सोने तक जो है समय नहीं मिल पा रहा, उसके पास अपने क्षेत्र से जो है एक डीएम जो है वो फोन उनकी फोन आ रही है और वो हमसे समय मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रात जो है अपने लखनऊ डीएम साहब जो इनवाइट किए थे तो उनके यहाँ कम से कम हम लोग 2 से 2.5-3 घंटे थे वहाँ पे, तो इतनी बड़ी पूरे राजधानी के डीएम जो है इतना समय देना, तो ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, तो बहुत खुशी है, मैंने इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकता आदमी की। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अगेन मुबारकबाद सल्तनत परवीन को भी, उनके वालिदैन को भी। बहुत खुशकिस्मत हैं ऐसे वालिदैन जो इस तरह के बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बच्चे रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उनके नाम को रोशन करके दिखाते हैं। ये सबसे खुशनसीबी और किस्मती की बात होती है उन वालिदैन के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सल्तनत परवीन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में उसको भी लिखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।